एक जनानी थी, उसका उसके पति का नाम था थन थन गोपाल। तो सब चिढ़ाते थे उसको कि उसके पति का नाम थन थन गोपाल है, थन थन गोपाल, देखो थन थन गोपाल की बीवी आ गई, ऐसे कह के सब उसको चिढ़ाते थे। तो बोली जी तुम अपना नाम बदल लो। तो थन थन गोपाल ने कहा धर दे, तू ही धर दे कोई नाम। तो उसने सोचा अच्छे अच्छे लोगों का नाम पता करूं कि क्या होता है। तो रास्ते से जा रही थी, पहले ही पहले उसे एक जनानी मिली, बातें पूछी कि तेरा नाम का है। तो बोली लक्ष्मी। अच्छा, एक आदमी भीख मांग रहा, बातें पूछी तेरा नाम का है, बोला जगपाल। अच्छा, एक अर्थी जा रही थी, तो माने काऊ ते पूछी कि जे मरगो का है, जाको नाम का है। तो काऊ ने बताई अमरनाथ। घर आई, पति ने पूछी कोई नाम ले आई सोच के। तो बोली अब का बताऊं, गोबर भी ने लक्ष्मी, भीख मांगे जगपाल, अमरनाथ जो मर गयो दाते भला मेरा ठंडन गोपाल। याद है तो मेरा ठंडन गोपाल ही ठीक है। तो जरूरी ना है काऊ को नाम अच्छो होए तो वो आदमी भी अच्छो होए, और काऊ को नाम खराब होए तो वो आदमी भी खराब होए। वैसे समय बदलो तो चिंटू पिंटू फरानी ढिकानी जी सब नाम आ गए, नहीं तो पहले कितना अच्छा लगो करतो। नारायण कोई कह के बुलाता, अरे शंकर, राम इधर आ, कितना अच्छा लगता था। हम अपनी टीम में आवाज देते ईश्वर इधर आ, अच्छा लगता है, नाम अच्छा है, आवाज देते, आवाज देने में अच्छा लगता है। गोविंद कृष्ण ऐसे ही नाम भारत में थे। बाद में चिंटू पिंटू बंटी बबली ये सब आ गए। अगर अभी भी आपके बालक का नाम कुछ खराब हो ना, बदल के कुछ अच्छा सा रख दीजिए, ठाकुर जी का नाम रख दीजिए, बुलाने में अच्छा लगेगा, कोई आवाज देगा तो अच्छा लगेगा, भगवान का नाम जीभा से निकल जाएगा। और 24 घंटे में जितनी बार भगवान की याद आ जाए उतना ही अच्छा। किसी के बहाने तो आए, किसी के नाम के बहाने ही अगर भगवान का नाम आ जाए और भगवान की याद आ जाए तो अच्छा ही है ना। नाम अच्छा है सके आदमी भी बढ़िया आ जाए, कम से कम नाम तो अच्छा होए। आदमी बढ़िया होएगा कि नहीं होगा बाद में देखी जाएगी, पर कम से कम नाम तो चोखो होए। नाम ही ऐसा है तो आदमी कितना बढ़िया होए, नहीं थोड़ा नाम ठीक होना चाहिए। तो अपने बालकन को नाम भगवान के नाम पे रखो, ठाकुर जी के नाम पे रखो। तो कोई संत महात्मा तुम्हारे घर में आवे और तुम उनको बुलाओ, उनको मिलवाओ कि जे मेरा बेटा गोविंद है, तो कहो संत को भी खुशी हो, आ भाई गोविंद आ जा, खुशी हो कि आज गोविंद से मिलकर आए हैं। कोई संत तुम्हारे घर पधारे, संत तुम्हारे घर पांव रखें। पहले तो बहुत संत महात्मा घरों पर आया करते थे, अब तो ऐसे भी घर हैं जहां एक भी बार संतों के पग नहीं पड़े घर में, ऐसे भी घर हैं। धीरे 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 गौ सेवा संत सेवा कहाँ आदमी पीछे छोड़ता जा रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ उन लोगों का सम्मान करिए जो लोग धर्म की रक्षा के लिए जी रहे हैं, गौ की रक्षा के लिए जी रहे हैं, जो संतत्व की रक्षा के लिए जी रहे हैं, उन लोगों का आज भी सम्मान करिए।
क्योंकि आप उन लोगों का सम्मान करेंगे तो हिम्मत बढ़ेगी किसी और की भी कि ले हम भी गौ सेवा कर लें, हम भी संत सेवा कर लें। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।